कंचन टीवी की टीम अब पहुंची है गांव धड़ोली में। यहां पर हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं जी, भाई ताकि लोग शांति से मतदान कर सकें। सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो हमारे पास प्रशासन के जो आदेश है जी। सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का अगर मान लो कि दंगा होता है या कुछ भी होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है या कोई शरारती तत्व ऐसा कुछ करता है, व्यवधान डालने की कोशिश करता, तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पीलूहेड़ा ब्लॉक के SHO अनिल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आती तो वो कड़े से कड़ा काम करेंगे। और लगातार बने रहे हमारे साथ। हम अब मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो बूथ की तरफ भी एक बार कैमरे को लेकर जाए और यहाँ पर दिखाए कि किस प्रकार की भीड़ गांव धड़ोली में मौजूद है और किस प्रकार का चाह वोटिंग को लेकर गांव में लोगों के का है जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। आपका नाम? कुलदीप जी। कुलदीप जी, किस प्रकार का सहयोग आप लोकतंत्र में देने वाले हो? पूरा सहयोग है जी, वोटा पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है। लोकतंत्र में किस प्रकार का सहयोग दोगे? बढ़िया दें जी। बढ़िया दोगे? बढ़िया दें जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जो आप लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे? मुद्दे तो सारे मुद्दे कुछ नहीं करे, सब बेरोजगारी, कोई काम नहीं हुआ, सारे मुद्दे थे। और क्या लगता है आप जिस भी उम्मीदवार को चुनोगे वो आपकी उम्मीदें पूरी कर पाएगा? पूरी करा जी, जो चुनाव है पूरी उम्मीद। तो हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं जी। आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप वोट डालने के लिए? भाई देश आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए वोटिंग जोरों पर चली हुई है जी। और हरियाणा में अच्छा काम हो, बच्चों को रोजगार मिले, यही सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या लगता है आपको कि आप जिस भी उम्मीदवार को चुनोगे वो आपकी उम्मीदें पूरी कर पाएगा? हाँ, पूरी करेगा, इसीलिए तो हम यहाँ गांव में बैठे हैं और वोटिंग करें। तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से कि वो आगे भी दिखाए किस प्रकार की महिलाओं को लेकर अलग लाइन बनाई गई है और पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे जी। आपका नाम? आपका नाम? सुरेश जी। सुरेश, किस प्रकार का योगदान देने के लिए आप आज पहुंचे हैं? वोट देंगे जी। वोट? हाँ जी, वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। हाँ जी। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जो आप वोट डालने के लिए पहुंचे? बेरोजगारी जी। जी। शिक्षा में सुधार लाना जी। पानी का प्रबंध जी। जी, ये मैं मुख्य मुद्दे हैं जी हमारे। तो ये आपके मुख्य मुद्दे हैं। हाँ जी। और क्या लगता है आपको कि आप जिस भी उम्मीदवार को चुनोगे वो आपकी उम्मीदें पूरी कर पाएगा? यस सर, उम्मीद है जी, दिग्विजय चौटाला से जी। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। नमस्कार तई, ठीक हो? हाँ ठीक सर। वोट वाट डाल दी? बेटा मतलब मरेंदा गया, बैठी नंबर नहीं लगे अब तक ना। और तंग कर दिए? तंग कर दिए बेटा, जमा बहुत हो गए बैठा, 4 घंटे हो गए। तो कुछ मुद्दे भी हैं अपने कि वोट डालन खातर आए हो, बड़का नौकरी फलाना डिगड़ा कुछ है? तो बताओ ना किस प्रकार के हैं? बतेरे फेरे रे बेटा पढ़े हुए। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, किस प्रकार का योगदान लोकतंत्र में देने वाले हैं? बोल दीजिए। यहाँ पर महिलाएं शर्मा रही हैं, वो बोलना नहीं चाहती। और कैमरामैन से कहूँगा कि एक बारी बूथ की तरफ, बूथ नंबर 145 गांव धड़ोली का। और हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने रहें, हम हर गांव की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी, सफीदो।